आपके जिले में पानी कम रहा होगा, लेकिन सेना में जाने का हौसला और देश से लड़ने का जज्बा ये कभी झुंझुनू जिले में कम नहीं हुआ है। झुंझुनू भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पहुंची खांडवा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव व अर्जुन राम मेघवाल ने किया संबोधित। विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर बोला जमकर हमला, कहा लोकतंत्र की परंपरा तक को रखा ताक पर। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद परिचय के दौरान हंगामा करने से सामने आया कांग्रेस का असली चेहरा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में आयोजित जन आशीर्वाद यात्रा के तहत श्रम एवं पर्यावरण केंद्रीय मंत्री भारत सरकार भूपेंद्र सिंह यादव तथा केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज जिले के खांडवा गांव में विशाल जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री भारत सरकार भूपेंद्र सिंह यादव मंत्री बनने के बाद पहली बार राजस्थान के झुंझुनू जिले पहुंचे। यादव का जगह जगह स्वागत हुआ, वहीं मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का भी जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने भी सभा को संबोधित किया। मंच पर सांसद नरेंद्र कुमार, अलवर सांसद बाबा बालकनाथ, जिला प्रमुख हर्षनी कुलहरी, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन मांडिया, सूरजगढ़ विधायक सुभाष पुनिया, पूर्व प्रधान नीता यादव, पूर्व भाजयुमो जिलाध्यक्ष सतीश गजराज, सूरजगढ़ चेयरमैन पुष्पा गुप्ता, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष रतन सिंह तंवर, भजन लाल शर्मा आदि मौजूद रहे। जो पटड़ी के पट पे था, जिसको गहलोत साहब ने उतार दिया है, उनकी आपस की रस्सा कशी में कभी कोई कहीं जा रहा है, कभी कोई कहीं जा रहा है, आज राजस्थान को वापस से एक तरीके से बहुत बुरी स्थिति में लाकर छोड़ा है। आज खांडवा की इस धरती पे हम संकल्प करते हैं, झुंझुनू की इस धरती पे हम संकल्प करते हैं, राजस्थान में वापस से कमल का फूल खिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ जोर से